अभी नीतीश कुमार जी जो अगुआ थे इंडिया गठबंधन के, वह छोड़ के गए, उनको कोई भी टीम नहीं कर रहा है। अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन छोड़ के गए अजीत जी, उनको कोई भी टीम नहीं कर रहा है। मोहन कुमारी मायावती जी, अगर प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन लॉन्च करती है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने से कोई रोक नहीं पाएगा। संविधान विरोधी लोगों के पास सिर्फ दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। तो यह समझना पड़ेगा आदरणीय चंद्रशेखर जी को, जो बहन जी के विरोधी वो नहीं चाहते हैं कि बहन जी आए। अगर बहन जी आएंगी तो जीतेंगी और एक दलित प्रधानमंत्री इस भारत को मिल जाएगा। दिक्कत उस दलित से है। आप एक चहता चेहरा युवाओं की धड़कन जितेंद्र धरनाथ जी हैं, जो आजकल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम युवाओं की बात करें, जनता की बात करें, लोगों के दिल की बात करें, सीधे बातचीत करते हैं, क्योंकि आजकल का जो चुनाव है बहुत ही मजबूती से देखा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद बड़े भाई आपका। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं, जो जन जन तक, झुग्गी झोपड़ी तक इस बात को पहुंचाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई, आपसे जानना चाहते हैं कि जो चुनाव है बहुत ही गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन जी ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारे और देखा जा रहा है कि इंडी गठबंधन की बार बार चर्चा की जा रही है कि बहन जी जाएंगी। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, हमारी सरकार किसी से भी गठबंधन करती है तो हमारी सरकार का एक पैमाना होता है, एक शर्त होता है। हमारी शर्त है कि अगर हम इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हमको प्रधानमंत्री यानी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री लागू किया जाए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना से लेकर दिल्ली, मतलब पूरे भारत में हमारे आदिवासी समाज, दलित समाज, पूरा 85 समाज के लोग, सभी का यही मनपसंद है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी अगर प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन लॉन्च करती है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक बात कही जाती है कि बहन जी इंडी गठबंधन के साथ इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि उनको बीजेपी के बी टीम लोग कह रहे हैं। देखिए, यह विपक्ष टीमों का यह प्रोपेगेंडा है कि बहन जी को बदनाम करो, क्योंकि यही वह ऐसी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है जो माननीय नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। क्योंकि आप जानते हैं, अभी नीतीश कुमार जी जो अगुआ थे इंडिया गठबंधन के, वह छोड़ के गए, उनको कोई भी टीम नहीं कर रहा है। अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन छोड़ के गए अजीत जी, उनको कोई भी टीम नहीं कर रहा है। तो तमाम दल जो कट जा रहे उनको कोई भी टीम नहीं कर रहा, लेकिन केवल सिर्फ हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को बी टीम क्यों कहा जा रहा? हम लड़ने वाले लोग हैं। मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब कहते थे कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन चलता रहना चाहिए। और यह आपको अज्ञात होगा कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी के साथ एक मिशन मूवमेंट पे चलने वाली विचारधारा पे एक पार्टी है जो पूरे बहुजन महापुरुषों को सम्मान देती है। साहब, इस बात को समझिए, क्योंकि बी टीम करके जितना बदनाम कर सकते बदनाम करिए, अन्यथा और कुछ आप कर नहीं पाएंगे। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे थे, बताया जा रहा था कि वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बी टीम थे, बसपा भी के लोग भी कहते हैं। साथ ही एक से बात जानना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर के आ जाने से क्या दिक्कत हो सकती है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहन जी उनको सपोर्ट नहीं करते, बहन जी नहीं लाना चाहते, क्या मकसद है? नहीं, बहन जी का आप जाइए मिलने, कभी मिलना हुआ कोई तस्वीर आप लॉन्च किए हैं? आप बस ऐसे कह देते कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ, बहन जी नहीं मिलते। आप बहन जी से मिलिए, तो एक बार मिल के बात तो करिए। जैसे आप इतने बड़े नेता, आपने कहा जब चुनाव में आप आए थे, आपने कहा कि मैं माननीय मसीहा कांशीराम साहब का चेला हूँ, मैं सिर्फ मिशन की बात करूंगा, यानी पूरे बहुजनों को जोड़ूंगा, कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलूंगा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। आप सत्ता में जैसे आए, किसके उबाल से आप पार्टी बना ली? भैया, सिंपल सी बात है, भोजपुरी में आपको ये पता है कि पार्टी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा बहुजन समाज में हजारों से ज़्यादा पार्टियाँ हैं, लेकिन उस संविधान विरोधी लोगों के पास सिर्फ दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। तो यह समझना पड़ेगा आदरणीय चंद्रशेखर जी को कि उस कहाँ पे हैं। लेकिन हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं कि अगर इतनी बात है तो जैसे शिवपाल यादव जी ने कहा, शिवपाल यादव भी बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, वो भी एक पार्टी बनाए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने तमाम जो बातें विलय कर लिए। आप भी श्वेता से कहिए ना, एक महान दल है जो कहता है कि बिना शर्त के मैं बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करता हूँ। चंद्रशेखर जी फिर वह कहें, स्वेच्छा से कह दे कि बिना शर्त के सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ,
मिशनरियों के लिए सत्ता, ये पार्टी, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्या होता है? मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब जो बहुजनों को सत्ता का स्वाद चखाने का काम किए हम लोगों को, उन्होंने तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। फिर आदरणीय चंद्रशेखर जी क्यों भाग रहे हैं? एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए, वो भी आप रो रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वंशज हैं, हम लोग पग 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 चिन्हों पर हम लोगों ने संघर्ष किया, आप अपने आंसू एक सीट के लिए रुला रहे हैं। तो इस पर बाकी हम चंद्रशेखर जी पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनको समझना चाहिए वो वर्तमान स्थितियों को, और वर्तमान स्थितियों का पूरा भारत जानता है। और तमाम मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि बंजी क्यों खामोश है, बहनजी खामोश है, मैं पूर्णतः में बता रहा हूँ कि विपक्ष वाले भी जान रहे हैं कि जब तक बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं सकते हैं। और इन तमाम विपक्ष के चाहते हैं, लेकिन उस विपक्ष में भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहन जी के विरोधी वो नहीं चाहते हैं कि बहन जी आएँ, अगर बहन जी आएंगी तो जीतेंगी और एक दलित प्रधानमंत्री इस भारत को मिल जाएगा। दिक्कत उस दलित से है जो सुश्री बहन कुमारी माती एक दलित एससी समुदाय से आती हैं, ये दिक्कत है। जानना चाहते हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर जी नगीना से लड़ना चाहते थे, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? अब हमें भी नहीं समझ में आ रहा है ना, अब चंद्रशेखर जी को समझना चाहिए ना। अभी उपचुनाव हुआ तो कह रहे अखिलेश भैया बस एक छोटा भाई कह दें, और बिना शर्त के, अभी मैंने कहा ना कि बान जी किसी भी गठबंधन करे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उनका शर्त रहता है कि मैं साल भर ही चलाऊंगा लेकिन अपने तरीके से चलाऊंगा। कहने का मतलब, अब देखिए यही उदाहरण चंद्रशेखर जी का, पता नहीं क्या शर्त रखे थे, उपचुनाव में बिना शर्त के सपोर्ट कर दिए, अखिलेश यादव जी के पक्ष में एक दो विधायक भी बन गए, लेकिन फिर जब बात आई तो फिर पता नहीं अखिलेश जी, वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी दलित विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि चंद्रशेखर एक दलित समाज का लड़का लोकसभा में। बहन जी दलित विरोधी नहीं है? नहीं बहन जी बिल्कुल नहीं है, ये मांगे तो अभी चंद्रशेखर जी तो जाके मिले अखिलेश यादव जी से, एक साथ फोटो तस्वीर है उनके साथ, उनके सपा के लिए वोट मांगे, क्या यह बांजी के लिए वोट मांगे चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी जाके बांजी से मिले, पहले मिले तो तब नाम आप जानेंगे। ऐसे मैं भी कह दूं कि हम ये बात कर लिए, आप भी कह दे कि ये बात कर ली, तो भाई उसको तथ्य चाहिए ना, तथ्य की कसौटी पर उतरना होगा भैया।